तो हाय फिलिगर्स चेंगो हियर। सो गाइस फाइनली BGMI एंड PUBG Mobile के 1.6 बीटा अपडेट का फर्स्ट अपडेट आ चुका है एंड इस वीडियो के अंदर हम उसका एक एक फीचर देखेंगे जो भी नई नई चीजें आई हैं। एंड आप लोग मानोगे नहीं, शायद ग्राफिक्स में एक मेजर चेंज है। अब हमें नए टाइप के भी कुछ ग्राफिक्स गेम के अंदर देखने वाले हैं जो की बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड साथ ही साथ गेम के अंदर और भी काफी अमेजिंग फीचर्स एड हुए हैं जो की हमें आने वाले अपडेट में देखने के लिए मिलने वाले हैं। वो सारे फीचर्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Let's begin. इन्वेंटरी को खोलती है हमें यहाँ पे तीन नए आइटम्स दिखते हैं जिसमें पहले का नाम है फॉल्टी चिप, दूसरे का नाम है वाइन और तीसरे का नाम है यरीलो स्पाइसमैन। अगर आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो एक चीज बिल्कुल सिमिलर दिखेगी, इट कैन बी गिवन टू एना फॉर सम रिवॉर्ड। एंड हम सबको बताएगी एना किस गेम की कैरेक्टर है, मेट्रो रॉयल की। तो इसका मतलब है मेट्रो रॉयल मोड गेम में 1.6 के अपडेट के साथ वापस आने वाला है। फिलहाल ये जो तीन के तीन रिवॉर्ड्स है ना, इसके अंदर यही सारी चीजें हम लोग एना को दे सकते हैं। अभी जो इनके टेक्सचर्स है वो तो रिवील हुए नहीं है बट बहुत ही जल्दी रिवील हो जाएंगे। एंड अभी ये तो बीटा का पहला अपडेट है, इसके बाद अभी बहुत ही और अपडेट्स आने वाले हैं एंड काफी अमेजिंग चीजें और भी देखने के लिए मिलेंगी। 1.6 के अपडेट के बाद हमें गेम में ग्राफिक्स ऑप्शन में जो नॉर्मल ग्राफिक्स होते हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन एक और काफी कमाल का मोड आने वाला है जो कि है एंटी एनालिसिंग। आई नो मेरे को पता है पहले से ही, एंड शायद मेरे नाम भी इसका गलत प्रोनाउंस किया बट आई नो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अंदर हमें और भी डिटेलिंग मिलने वाली है। आप लोग को याद होगा जब ये मोड हमें पहले मिलता था जस्ट एक ही ऑप्शन आता था, इसको आप लोग ऑन करना चाहते हो या फिर क्या करना चाहते हो। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आप इसको 2x में यूज करना चाहते हो, इसको ऑफ करना चाहते हो या 4x में यूज करना चाहते हो। फिलहाल अभी मैंने 4x पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिख क्या रहा है कमिंग सून, बट काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि बीटा के जो आने वाले अपडेट्स हैं उसके अंदर ये कमिंग सून से हो सकता है हम लोग यूज कर सके, या फिर हो सकता है ये कुछ टाइम तक कुछ आने वाले अपडेट्स तक कमिंग सून में ही रहे इन फ्यूचर फिर से, जैसे कि हमारा अल्ट्रा HD मोड आ गया था उसी टाइम से ये भी आ जाए। मैप सेक्शन में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने के लिए मिलती है कि 1.6 के अपडेट के साथ प्ले लोड मोड गेम के अंदर वापस आने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग मोड था एंड बीच में अगर थोड़ा फन करना होता है तो उसके लिए काफी अच्छा मोड है ये वाला। एंड इसी के साथ साथ इन्फेक्शन मोड भी गेम के अंदर वापस आने वाला है। तो ये दोनों मोड हमें गेम में 1.6 के अपडेट के साथ देखने के लिए मिलेंगे। सबसे ज्यादा हेल्पफुल अपडेट जो 1.6 के अपडेट में हुआ है वो है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको पता होगा कि हमें कोई भी सेटिंग ढूंढनी होती थी हमें नीचे 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 डायरेक्ट करना पड़ता था एंड ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पे हर एक सेटिंग को अलग अलग चीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको ऊपर तीन ऑप्शन दिख जाएंगे, जो भी आपको सेटिंग चाहिए उसके ऊपर आप लोग डायरेक्ट क्लिक करो एंड वो आपको वहीं पर ले जाएगा एंड वहाँ पे आप लोग जैसे ही जाकर जो भी सेटिंग चाहिए उसको देख सकते हो। तो ये काफी हेल्पफुल ऑप्शन रहने वाला है, हमें डायरेक्ट स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोग गेम के अंदर सेंसी चेंज करते थे 6x की, 4x की, हमारे स्कोप्स की वगैरह वगैरह, लेकिन अब आने वाली एक और सेंसी गेम के अंदर जहाँ पे हम लोग अपने जॉयस्टिक को चेंज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर आप लोग देखो मैं इसको कम कर दूंगा ना तो हमारे जॉयस्टिक को मैं जितना मर्जी ऊपर खींच लूं, जो इसका ये स्प्लिट वाला ऑप्शन होता है ना जिससे तेज भागता है बहुत ही रेयरली और बहुत ही मुश्किल से आएगा, लेकिन अगर मैं यही इसको हैंडल कर दूंगा तो इसकी जो सेंसी है काफी तेज हो जाएगी और मैं बिल्कुल हल्का सा भी ऊपर करूंगा तो इस स्प्लिट वाले ऑप्शन पे आने लग जाएगा और तेज भागेगा। 1.6 के अपडेट के साथ गेम के अंदर हेडशॉट की साउंड भी बिल्कुल चेंज हो गई है। वैसे ये चीज काफी पहले से थी गेम के अंदर, मीन्स अगर आप लोग TDM खेलते हो तो आपको पता होगा अगर वहां हेड बजता है तो हमें मतलब ऐसे लोहे जैसी आवाज आती है टर्न करके, बिल्कुल वैसी आवाज जब हमें क्लासिक मोड में भी आएगी। बिल्कुल अब से अगर आप लोग इस तरीके से किसी को भी हेड मारोगे तो सीधी एक टर्न करके आ जाएगी क्लासिक मोड के अंदर भी एंड हम लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ भाई हेड कनेक्ट हो गया है। 1.6 के अपडेट में गेम के अंदर एक पंच वाली एनिमेशन में भी काफी मेजर चेंज किया है। आप लोगों को याद होगा जब भी हम लोग पहले अभी तक अभी भी आप लोग गेम में जाके चेक करना, अगर हम लोग पंच के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना तो हमारा बंदा ऊपर की तरफ से हाथ ला के पंच मारता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पंच मारता है, लेकिन अब जो अपडेट है उसके बाद से हमारा बंदा सीधा सीधा पंच मारेगा, मतलब वो अपने हाथ को जो कंधे के ऊपर से नहीं लेके आएगा सर के पास से, वो सीधा नीचे पंच मारेगा एंड जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल ह्यूमंस पंच मारते हैं ये भी बिल्कुल ऐसे ही मारने लग जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो अभी आप लोग अपनी गेम में जाओ और देखो आपका बंदा जो है वो पंच ऊपर की तरफ से मार रहा होगा लेकिन अब से वो नीचे की तरफ से सीधा मारेगा, मतलब चेस्ट के सामने सामने से। अभी तक गेम के अंदर हमें काफी टाइम से तो ये फीचर ही नहीं मिला था ये प्लेन पाथ को मार्क करने के लिए, लेकिन फाइनली हम इन लोगों ने ये चीज दी थी गेम के अंदर जिससे हम लोग प्लेन पाथ को मार्क कर सकते थे, लेकिन वो भी वही था कि अगर भूल जाओ तो मुश्किल होती थी, लेकिन अब फाइनली 1.6 के अपडेट के साथ हमें गेम के अंदर इनबिल्ट प्लेन मार्क मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे आप लोग इस पे कभी भी मैच में क्लिक कर सकते हो और वहां पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये प्लेन पाथ था एंड यहाँ से आप लोग डायरेक्ट पे जा सकते हो जहाँ पे भी जाना चाहते हो एंड देखना चाहते हो कि बंदे किस किस जगह गए हो, और ये चीज काफी हेल्पफुल होने वाली है। गेम के अंदर एक कंटीन्यूअस बैंडेज नाम का भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया, हालांकि ये जो पहले से ही फीचर था उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया और आपको ज्यादा थोड़ी सी ये दे दी गई है फ्रीडम कि आप लोग चाहते हो इसको यूज करना या नहीं चाहते, मतलब यही है कि अगर आप लोग इसको ऑफ कर दोगे और फिर बैंडेज लगाओगे तो हमारी जैसे फर्स्ट एड लगती है ना कि एक फर्स्ट एड लगी उसके बाद
रुक जाती है और नहीं लगती। बिल्कुल वही सेम चीज हमारी बैंडेज के साथ भी होगी, लेकिन अगर आप लोग इसको ऑन करते हो तो फिर वही चीज होगी कि अगर आप लोग बैंडेज पर क्लिक करते हो तो बैंडेज तब तक लगती रहेगी जब तक आपकी पूरी की पूरी बैंडेज लगनी जाती है एंड आप लोग का जो पूरा का पूरा वो 75% हील वाला परफॉर्मा है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो गाइस ये कुछ कमाल के अमेजिंग फीचर है जो अभी हमें 1.6 के फर्स्ट बीटा अपडेट में देखने के लिए मिले हैं। अभी और काफी इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग मैप्स, मोड, अभी बहुत कुछ ऐड होना बाकी है। तो जस्ट फर्स्ट अपडेट था बीटा का और अभी काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं गेम में। और साथ ही साथ अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस पे क्लिक करो और इसको जाके देखो। ये काफी अमेजिंग वीडियो है, इसके अंदर मैंने 1.6 के बीटा में जो कुछ और मेजर मोड्स और अपडेट्स आने वाले हैं वो दिखाए और कुछ कमाल की आउटफिट जो की आने वाली है, कुछ फ्री कुछ पेड, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो मेक श्योर इस वाली वीडियो पे आप लोग क्लिक करो और इसको देखो, आपको मजा आ जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रॉम स्टैंगो, बाय।